जो कैंपिंग की है, जो एक्टिविटी भी है, आप देखो हेलो। तो आज सेकेंड डे नैनीताल। तो कल हमने हिमालय पॉइंट, स्नो ब्लू पॉइंट और नैनी टेंपल पास में वहाँ गए थे। नैनी लेक नहीं गए हैं अभी तक, जो कि पास में ही लेक है उसे में। आज हम जा रहे हैं नीम करोली बाबा दरबार, जो कि यहाँ से अराउंड 20 किलोमीटर अप्रॉक्स है। तो काफ़ी अच्छी जगह है वहाँ पे, एक बहुत ही डिवोटी टेंपल है, जहाँ वहाँ पर आज जाके दर्शन करेंगे अपना। और अपनी स्कूटी भी कल से रेंट पे ही है, तो उसी का सफ़र होगा आज भी। काफ़ी अच्छा फ्रेश अप हो चुकी है, मॉर्निंग तैयार हो चुकी है, हम सभी रेडी हो गए, काफ़ी लाइटिंग लग रही है। और सो आई एम रेडी विथ माई नेक्स्ट ट्रिप टू नीम करोली बाबा टेम्पल। चलो आज आप चलते हैं। आप रास्ते में ही है, 5 किलोमीटर आगे आ चुके हैं गाइज। और अभी देख सकते हो पूरे पहाड़ और चट्टान के बीच में ही हूँ अभी मैं। और आगे एक लोकेशन पर ही जहाँ पे कुछ है पिन लोकेशन करके एडवेंचरस पॉइंट है कुछ, तो देखता हूँ क्या है रास्ते में कुछ पड़ गए लोकेशन, तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। टिकट हो गया अभी दिया ना टिकट था यहाँ पे एंट्री 30 पर पर्सन, तो काफ़ी सही था। और मैं अभी नहीं, आप देख सकते हो आई लव नैनीताल करके है, काफ़ी प्यारी सी लोकेशन दिख रही है मुझे। तो आप ये देखो यहाँ पे लोकेशन, देख रहे हो अपने पीछे क्या प्यारी सी लोकेशन दिख रही है, बहुत ही प्यारा सा। इधर से मैं बैकग्राउंड करके दिखाता हूँ। सेल्फी पॉइंट्स थोड़ा नीचे जो बताया था मैंने, कैंपिंग वगैरह का। काफ़ी प्यारा सा पॉइंट बनाया है, लेकिन जो भाई हालत ख़राब हो जाएगी यहाँ पे कैंपिंग कौन करेगा, मेरी तो हालत ख़राब हो जाएगी कैंपिंग यहाँ पे। कैंपिंग है अच्छा पॉइंट। चलो फिर चलता हूँ अब यहाँ से। मैंने काफ़ी थोड़ी बहुत अच्छी सी प्यारी सी फोटो निकाली, क्योंकि व्यू ही इतना प्यारा सा था, पॉइंट बनाया हुआ है और नीचे भी कुछ एक्टिविटी वगैरह के लिए है, कैंपिंग वगैरह के लिए भी है। काफ़ी प्यारा सा है लोकेशन यहाँ पे, छोटा सा रास्ता भी। अभी हमारा यहाँ पे 15 किलोमीटर और भी रास्ते के आगे बची हुई, चलो चलते हैं। और काफ़ी मज़ा आ रही है, जो व्यू पहाड़ों के बीच से जाना, स्कूटी राइड, इंजॉयबल मोमेंट। और धूप के
एक्चुअली हम सब ने दर्शन भी कर लिया और आश्रम होके आ गए, अब निकल रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगा अंदर और कुछ समय वहाँ बैठे हम सब। काफ़ी भीड़ है, ट्रैफिक है, पहाड़ों के बीच में है यहाँ पे। काफ़ी ट्रैफिक हो जाती है 5 किलोमीटर के अराउंड पहुँचने के वक्त, थोड़ी सी भीड़ होती है ट्रैफिक कारण। हमने नैनीताल से 20 किलोमीटर का रास्ता तय करके आया हूँ यहाँ पे और फेस थोड़ी सी ड्राई हो चुकी है, पर काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके। और माउंटेन के रास्ते आना नीम करौली बाबा कैथी धाम काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आप देखो व्यू, मार्केट है, प्रसाद है, दुकानें हैं छोटी छोटी सी पहाड़ों के बीच। ये है कैथी धाम नीम करौली बाबा जी का। हमने अपना स्कूटी पार्किंग में लगाया था यहाँ पे 40 रुपया। साइड में दुकानें हैं यहाँ पे, देख लो ट्रैफिक। बहुत ही प्यारी और खूबसूरत सी जगह है। यहाँ पे हमारा स्कूटी पार्क में थी, काफ़ी सही जगह है यहाँ पे। चलो अपना अब चलते हैं, नेक्स्ट एक भीमताल है, देखते हैं अगर ट्रैफिक ज़्यादा ना हुआ उधर उधर भी निकल चलेंगे, नहीं तो फिर डायरेक्ट होटल की ओर चलेंगे फिर। हो तो हम सब रास्ते में नीम करौली बाबा के रास्ते, जब रिटर्न होने के रास्ते में बीच में एक डाइवर्जन थी जहाँ पे एक और एरिया थी लेक की, वहाँ पे जाने का, तो मैंने वहाँ से एक 12 किलोमीटर डिस्टेंस पे थी तो सोचा उधर भी घूम आए थोड़ा सा, तो हम दोनों इधर भी निकल आए। और काफ़ी सही है जगह और नॉर्मल सी है। तो फाइनली 1 घंटे राइड के बाद 7:30 हो रही है अभी गाइड यहाँ पे, फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं। आग ताप रहा है, बैठ कर ठंड हो गई, हाथ काम नहीं कर रहे इसके, आग के पास बैठ गया ये। काफ़ी बस नैनी लेक के पास ही हूँ मैं अभी, देख सकते हो काफ़ी पुराना है चौराया, ये एक नैनी लेक चौराया यहाँ पे। अच्छा है, अब सोच रहा हूँ डायरेक्ट खाना खा के ही डायरेक्ट होटल ही चले जाऊँगा। कैसे हो आप सब, आज हमारा तीसरा दिन है नैनीताल में इस खूबसूरत वादियों का मज़ा ले रहा हूँ मैं अभी। अभी फिलहाल मैं अभी सबसे मोस्ट फेमस नैनी लेक बोटिंग जो कि अभी कर रही है, बोटिंग कर रही हो और अभी देख सकते हो तो क्या खूबसूरत व्यू है और इस बोटिंग की राइड काफ़ी लाजवाब है और काफ़ी
अच्छा लग रहा है जब सनलाइट देखते आ रही है और आप देखते हैं। और बोटिंग की जो प्राइस जो भैया बोले एक बोट का 2% 3% 420 पर राउंड है।